आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, हमें अब कंटिन्यू करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशन पार्ट के साथ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब हम एप्लीकेशंस की तरफ जाते हैं तो बात होती है बॉन्ड पैरामीटर्स की। बॉन्ड पैरामीटर्स इंक्लूड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल और पोलर और नॉन पोलर नेचर ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्ड्स को लेकर बात करनी होगी हमें इस पार्ट में। तो सबसे पहले फिर से जहां पर मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि आपकी एक परफेक्ट प्रैक्टिस हो जानी चाहिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के शेप्स डिटरमाइन करने को लेकर। वंस यू आर कंफर्टेबल विथ डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिड स्टेट, डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, लोन पेयर है या नहीं है, यदि आपने ये चीजों के साथ में एक अच्छी प्रैक्टिस कर ली है तो आप बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको लेकर कंफर्टेबली आगे की चीजों को आंसर दे सकेंगे। इन दिस पार्ट वन बाय वन हम सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए लेंथ, लेक्चर वन रिकॉल करिए आप, जो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि आप एक बॉन्ड को डिफाइन कैसे करते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग हम बॉन्ड की डेफिनेशन बोलते आ रहे हैं कि इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप बॉन्ड डिफाइन करते हैं। तो यदि बॉन्ड सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स है तो आप बॉन्ड की लेंथ को मेजर कैसे करेंगे? अट्रैक्शन का कोई लेंथ तो नहीं होगा। एग्जैक्टली बॉन्ड लेंथ का मतलब यह नहीं है कि आप बॉन्ड की लेंथ मेजर कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है कि आप जो एटम्स, बॉन्डेड एटम्स हैं, मतलब अट्रैक्टेड एटम्स हैं, इनके न्यूक्लाई का डिस्टेंस मेजर करते हैं। जो बात होती है बॉन्ड लेंथ में वो होती है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को लेकर। तो सबसे पहले यदि मैंने बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करना है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स। सो सिंपल, आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स को आपने बॉन्ड लेंथ कहा है। अब आइए ये देखें कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस लेंथ को गवर्न करते हैं, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को गवर्न कौन करेगा। तो यदि हम फैक्टर्स की बात करें, इट डिपेंड्स ऑन, मैं थ्री डिफरेंट कंडीशंस बताऊंगा जिसमें बॉन्ड लेंथ रिलेट होती है, जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, गवर्निंग फैक्टर्स होते हैं। नंबर वन इज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। टर्म बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स। सिंगल बॉन्डेड एटम्स मतलब कहेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर वन है, जब दो एटम्स के बीच में फोर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या कहिए डबल बॉन्ड बनता है तो हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू टू है। ट्रिपल बॉन्ड का बनना मतलब बॉन्ड ऑर्डर थ्री है। अब थोड़ा सा वीबीटी के पार्ट को समझें, रिकॉल करें। सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स बिटवीन द एटम्स। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ओवरलैपिंग ऑफ टोटल फोर ऑर्बिटल्स, टू फ्रॉम ईच एटम। ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन में टोटल सिक्स ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग की एक्सटेंट बढ़ती है, मैं बात कर रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर के साथ में बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करेगी।
जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में ज्यादा होता है और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को डिक्रीज करेगा। तो कोरिलेशन क्या बना यहां पर, रिलेशनशिप ये बना कि मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, लेस इज द बॉन्ड लेंथ, मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, लेस इज द बॉन्ड लेंथ। इसका एग्जांपल लेते हैं, यदि हम टू कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड ले लें, टू कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ डबल बॉन्ड ले लें और टू कार्बन एटम्स बॉन्डेड विथ ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, तीनों में लेंथ इक्वल नहीं होगी। मतलब कार्बन एटम्स को सेपरेट करने वाला जो न्यूक्लाई के बीच का डिस्टेंस होगा वो इक्वल नहीं है। यहां कार्बन एटम्स एक कम अट्रैक्टिव फोर्स के साथ में है, डबल बॉन्ड मतलब दे हैव मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ देयर ऑर्बिटल्स, दे हैव मोर एक्सटेंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, ट्रिपल बॉन्ड में ये मैक्सिमम है। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ की वैल्यू यदि कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ये मैक्सिमम फॉर डबल बॉन्ड एंड मिनिमम फॉर द ट्रिपल बॉन्ड होगी। ये जो मैंने ऑर्डर दिया ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, राइट। अनदर फैक्टर, बॉन्ड ऑर्डर के अलावा जैसे सेम बॉन्ड ऑर्डर होते हुए भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में फर्क हो सकता है और ये तब क्रिएट होता है जब नेचर ऑफ एटम्स ही डिफरेंट हो, एलिमेंट्स ही डिफरेंट हो। यानी यहां पर एटॉमिक साइज का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। एटॉमिक साइज, सी हाउ डज द एटॉमिक साइज अफेक्ट बॉन्ड लेंथ, सो सिंपल। आप इसके लिए डायरेक्टली एक एग्जांपल मैं सजेस्ट करूंगा, उसके बारे में सोचिए। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, कंक्लूजन वी शिल राइट लेटर ऑन, हम बात कर रहे हैं HF, HCl, HBr, HI, हैलोजन एसिड्स। यू नो इट वेल कि इन सभी कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्ड है बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। सिंगल बॉन्ड है मतलब योर फर्स्ट फैक्टर इज नॉट एप्लीकेबल, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग शायद सेम हो लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि हेलोजन इज डिफरेंट, हेलोजन के अपने साइज में फर्क है, तो जो न्यूक्लाई के बीच का डिस्टेंस होगा वो भी वेरी करेगा। इट्स वेरी सिंपल टू थिंक कि जहां एटॉमिक साइज छोटा होगा वहां बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। सो द कंक्लूजन इज Smaller is the atomic size, less is the bond length. बताएं, what should be the conclusion about halogen acids, their bond length? HF में bond length की value minimum होनी चाहिए, HI में ये maximum होनी चाहिए। मैं अभी सिर्फ एक basic concept आपको बता रहा हूं with certain examples। यहां पर किसी भी टाइप के एक्सेप्शनल केसेस इंक्लूडेड नहीं है अभी, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस स्पेशल कंसेप्ट से समझाए जा सकते हैं और वो स्पेशल कंसेप्ट हम टाइम टू टाइम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बॉन्डिंग में भी कुछ पार्ट में हम देखेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू वन मोर फैक्टर, देयर इज वन मोर फैक्टर। देखिए, कई बार यह होता है कि बॉन्ड ऑर्डर भी सेम रहेगा, एलिमेंट्स भी वही है जो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, बट फिर भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में फर्क हो जाता है। अब यह फर्क क्यों हो सकता है, तो इस डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट ऑफ बॉन्डिंग ऑफ द एलिमेंट। बॉन्डिंग का स्टेट इंपॉर्टेंस रखता है बॉन्ड लेंथ के लिए। बॉन्डिंग के स्टेट से हम क्या बोलना चाहते हैं, आपने अभी अभी इसके पहले वाले लेक्चर में समझा था कि सेम एलिमेंट डिफरेंट हाइब्रिड स्टेट में कंपाउंड्स बना सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कहीं sp3 हाइब्रिड हो सकता है, कहीं sp2 और कहीं sp। उसकी हाइब्रिड स्टेट अलग अलग होना उसकी स्टेट ऑफ बॉन्डिंग को अलग अलग होने को रिप्रेजेंट करता है। क्या इससे बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ेगा, यस। यहां पर मैं आपको डायरेक्टली पहले एग्जांपल बताता हूं, फिर हम हेडिंग लिखेंगे।
एग्जाम्पल है कि इफ वी टॉक अबाउट सी एच बॉन्ड लेंथ इन सी टू एच सिक्स सी टू एच फोर एंड सी टू एच टू. आप जानते हैं इथेन इथीन और इथाइन, इनमें मैं सी एच बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहा हूं. सी एच बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड, मतलब पहले फैक्टर के हिसाब से बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर तीनों में सेम है. तीनों कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सेम है. नंबर टू, एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज क्योंकि कार्बन है और हाइड्रोजन है तो हमने कंसीडर कर लिया कि एटॉमिक साइज इज सेम, बट देयर स्टेट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द स्टेट ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज डिफरेंट. यहां जो ओवरलैपिंग होगी सी एच बॉन्ड के बनने में, सी टू एच सिक्स में ये एस पी थ्री एस ओवरलैप होगा, यहां पर ये एस पी टू एस ओवरलैप होगा, यहां पर ये एस पी एस ओवरलैप होगा. मतलब कार्बन का हाइब्रिड स्टेट जहां एस पी आ रहा है वहां मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर है, जहां एस पी थ्री का कार्बन का हाइब्रिड स्टेट है वहां एस कैरेक्टर का परसेंटेज कम है. अकॉर्डिंगली जहां एस कैरेक्टर का परसेंटेज ज्यादा होता है, हाइब्रिड स्टेट में एस कैरेक्टर का परसेंटेज ज्यादा होगा, वहां ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो स्मॉलर साइज का होगा. एस ऑर्बिटल बीइंग स्मॉलर इन साइज, एस का परसेंटेज ज्यादा होना मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, जिसके कारण इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस शॉर्ट मिलती है, बॉन्ड लेंथ कम होगी. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? तीसरा फैक्टर हमें क्या लिखना चाहिए? द थर्ड फैक्टर शुड बी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट. बॉन्ड बनाने वाले की हाइब्रिड स्टेट कैसी है? मोर इज द एस कैरेक्टर, लेस इज द बॉन्ड लेंथ. सो व्हाट शुड बी द कंक्लूजन? सी टू एच सिक्स में एस कैरेक्टर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में 25% है, sp3 है ना, 25%. इसलिए यहां पर मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ आना चाहिए. C2H4 में 33.33% एस कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ इथेन से कम होगी और इथाइन से ज्यादा होगी. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड लेंथ. नाउ वन मोर थिंग कम्स इन आवर माइंड कि यदि ये तीन फैक्टर्स बॉन्ड लेंथ को मेजरली अफेक्ट करते हैं, गवर्न करते हैं, तो हमें ऑर्डर क्या फॉलो करना है? वी मीन कौन से फैक्टर को पहले देखें, कौन से फैक्टर को बाद में देखें. सो द ऑर्डर दैट आई हैव गिवन हियर इज द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस. इन फैक्टर्स को प्रेफरेंस का भी ऑर्डर आप यही रखिए, मतलब सबसे पहले आपको देखनी चाहिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के डिफरेंसेस हैं क्या, गिवन एग्जांपल्स जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं. उसके बाद इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन यू शुड सी द अनदर फैक्टर, एटॉमिक साइज और द हाइब्रिड स्टेट. मतलब आप इनको इसी प्रायोरिटी में फॉलो करिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर के कारण जो डिफरेंस क्रिएट होगा इट विल बी अ मेजर डिफरेंस एज कंपेयर्ड टू द अदर फैक्टर्स, जो बाकी के फैक्टर्स हैं. वंस अगेन एटॉमिक साइज के कारण जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो हाइब्रिडाइजेशन के कंपैरिजन में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा. तो आप इनको इसी प्रेफरेंस ऑर्डर में रखिए. अनदर प्रॉपर्टी जिसमें आप कोवेलेंट बॉन्ड को कोरिलेट करते हैं वो होती है बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. बॉन्ड एनर्जी को या तो आप कहिए कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी लिबरेटेड को आप बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे. दूसरी लैंग्वेज आप अपोजिट भी यूज कर सकते हैं कि यदि एक बॉन्ड को ब्रेक करना है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे देनी पड़ेगी दैट इज द बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स.
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वन मोल ऑफ बॉन्ड के लिए, वन मोल ऑफ स्पीशीज के बॉन्ड के लिए ओवरकम करने के लिए जो आप एनर्जी देंगे, अट्रैक्टिव फोर्स है, ओवरकम करना पड़ेगा, एनर्जी शुड बी गिवन टू द सिस्टम. ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है आप उसको बॉन्ड एनर्जी बोल रहे हैं. अपोजिट लैंग्वेज भी मैंने कही थी, एक बार और सुनिए. अपोजिट लैंग्वेज ये थी कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी दैट इज द बॉन्ड एनर्जी. तो यू कैन डिफाइन इट इन आइदर ऑफ द वेज, मीनिंग सेम है. बनने पे जितनी लिबरेट होगी, तोड़ना है तो उतनी सप्लाई करनी पड़ेगी. सो दैट इज द बॉन्ड एनर्जी. आई डिफाइन इट इन वन ऑफ द टू मैनर्स. मैं यहां पर लिखता हूं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, इसे आप बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी. अब फैक्टर्स, बॉन्ड एनर्जी को गवर्न कौन करता है, कहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, कहां बॉन्ड एनर्जी कम होती है. प्योरली जो बातें मैं कर रहा हूं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के रेफरेंस में हो रही है, जस्ट कीप इन माइंड. कोवेलेंट बॉन्ड्स में बॉन्ड एनर्जी का गवर्निंग जो फैक्टर्स होते हैं वो वही होते हैं जो इधर हमने बॉन्ड लेंथ के लिए दिए हैं. तो टॉपिक को इजी बनाने के लिए आप सिर्फ डायरेक्टली एक ही फैक्टर से उसको रिलेट कर लीजिए, एंड दैट इज बॉन्ड लेंथ. क्योंकि ये सारे फैक्टर्स वही हैं जो बॉन्ड एनर्जी को भी गवर्न करेंगे, तो व्हाई नॉट टू कम टू द बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली. बॉन्ड लेंथ को आप कोरिलेट कर लीजिए बॉन्ड एनर्जी के साथ में. बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होना मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होना, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना मतलब अट्रैक्शन कम होना. सो व्हाट शुड बी द कोरिलेशन विथ बॉन्ड एनर्जी. जहां जहां बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है वहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होंगे. सो द कंक्लूजन इज मोर इज द बॉन्ड लेंथ लेस इज द बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड लेंथ जहां पर ज्यादा होती है वहां बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि ये सीधा सीधा अट्रैक्टिव फोर्सेस से आप चीजों को कंपेयर कर रहे हैं. अट्रैक्टिव फोर्सेस से आपने बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया, अट्रैक्टिव फोर्सेस से आप बॉन्ड को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी को रिलेट कर रहे हैं. आई थिंक ये बहुत इजी होगा कंपैरिजन करना, लेकिन इसके साथ में एक कॉमन एग्जाम्पल पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में रेगुलरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है. मैं बात कर रहा हूं एक एक्सेप्शन को इंक्लूड करते हुए, मॉलिक्यूलर हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. यदि आप हैलोजन्स इन द डायटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट कंपेयर करते हैं तो सी वेयर लाइज द डिफरेंस. इनमें डिफरेंस आता है इस बात को लेकर कि यदि बॉन्ड लेंथ की बात हो, बॉन्ड लेंथ देयर इज नो प्रॉब्लम इन बॉन्ड लेंथ. Shortest is with fluorine and maximum is with iodine. Shortest is with fluorine and the bond length is maximum with iodine. ये तो बात हो रही थी bond length को लेकर. अब मैं यदि इनकी bond energy को लेकर बात करता हूं, एक काम करिए bond length का भी factor बताइए. सोचिए जरा bond energy के पहले जरा bond length का factor सोच लीजिए. किस बेसिस पर आपने इन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया? इस बार पहला फैक्टर तो अप्लाई नहीं होता. कौन सा? बॉन्ड ऑर्डर वाला. क्यों? क्योंकि ऑल मॉलिक्यूलर हैलोजन्स हैव सिंगल बॉन्ड, टू हैलोजन एटम्स आर बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर तो सभी में सेम है. पर डिफरेंस किस बात का है? एटॉमिक साइज का. जहां एटॉमिक साइज छोटा है वहां इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस शॉर्ट होगी, और जहां इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस शॉर्ट है वहां पर बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट होना चाहिए. तो बॉन्ड लेंथ को गवर्न करने वाला यहां पर फैक्टर सेकंड वाला था, एटॉमिक साइज.
आइए अब बात करें बॉन्ड एनर्जी को लेकर. हियर वी हैव एन एक्सेप्शनल केस. मैं आपको ऑब्जर्व्ड फैक्ट बता रहा हूं कि बॉन्ड एनर्जी को लेकर यहां ऑर्डर क्या है. क्लोरीन हैज मैक्सिमम, ब्रोमीन हैज लेस देन दैट, फ्लोरीन हैज गॉट द एक्सेप्शनल पोजिशन एंड आयोडीन हैज मिनिमम बॉन्ड एनर्जी. ऑल्दो दे हैव अ लेस डिफरेंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी. फ्लोरीन और आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी कंपेरेबल होती है, मतलब बहुत कम डिफरेंस के साथ होती है, ये कहा जा सकता है. बट अभी बात हो रही है कि फ्लोरीन अपनी जगह को बदलकर यहां कैसे, एक्सपेक्टेड क्या था. यदि हम अपना जनरल वाला पॉइंट फॉलो करते हैं तो एक्सपेक्टेड था कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सभी हैलोजन्स में मैक्सिमम होनी थी. रीजन सुने. रीजन यहां यह होता है कि जब टू फ्लोरीन एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, बताइए हैलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7. वन इज शेयर्ड. फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के साथ में शेयर किया है. आप यह भी जानते हैं कि सेकेंड पीरियड में स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज फ्लोरीन का है. स्मॉल साइज के कारण अनडाउटेडली ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट है इन सभी में. सबसे शॉर्ट बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन में है. पर अब उसका एक नेगेटिव इफेक्ट सुनिए. नेगेटिव में इसलिए बोल रहा हूं कि शॉर्ट बॉन्ड लेंथ एक्चुअली सपोर्ट में होती है बॉन्ड एनर्जी के. बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होना मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होना, ऑफ कोर्स. बट ये एक नेगेटिव फैक्टर बन रहा है यहां पर. क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे साइज के कारण इनका जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है फ्लोरीन एटम्स का, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करता है. दिस रिपल्शन, ये रिपल्शन शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होते हुए भी इनको सेपरेट करवाने में हेल्प करता है, सपोर्टिव होता है. तो एक्चुअली एटॉमिक साइज का स्मॉल होना बॉन्ड एनर्जी के सपोर्ट में होता है, मतलब बॉन्ड एनर्जी को बढ़ाता है. बट मॉलिक्यूलर फ्लोरीन के केस में एक तरह से ये नेगेटिव फैक्टर का काम करने लगता है. बॉन्ड लेंथ इतनी शॉर्ट है, साइज इतना स्मॉल है कि जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला क्लाउड होता है, इट स्टार्ट्स रिपेलिंग ईच अदर. दोनों एटम्स के क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं और ये रिपल्शन इस बॉन्ड को वीक बना देता है. आप कंडीशन समझिए, इसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी के इक्वल होती है. एग्जैक्ट ऑर्डर तो ये है, बट दे आर ऑफ नियरली इक्वल बॉन्ड एनर्जीज. सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज ऑफ मॉलिक्यूलर हैलोजन्स. इसके बाद बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करें तो मैं यहां पर एक टॉपिक अब इनिशिएट कर रहा हूं फिर से बॉन्ड प्रॉपर्टीज के रेफरेंस में, और वो है बॉन्ड एंगल. वंस अगेन, इन सभी प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशंस को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे वो बॉन्ड लेंथ की बात हो या बॉन्ड एनर्जी की, या अब जो मैं बता रहा हूं बॉन्ड एंगल. इन सभी के आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. बॉन्ड एंगल समझे, उसमें खासतौर पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द हैपनिंग टॉपिक्स होता है बॉन्ड एंगल. आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस देखिए, बॉन्ड एंगल्स पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं.